भाई आपके हिसाब से क्या प्लान ट्रिप सबसे बेस्ट रहता है या बस बोरिया बिस्तर बांधो और निकल पड़ो, वो वाला सीन ज्यादा अच्छा है? लेकिन हम लोग जब ट्रिप प्लान करें और उसमें चेंजेस ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई हम थे फितेही में और हमें आवाज आई कि एक शहर है करीब में बोद्रम, और वो पूरा ग्रीस जैसा लगता है, तो पहुंच गए। हमारे पास बोद्रम के लिए सिर्फ एक दिन था और एक दिन में इस पूरे शहर को कवर करना बहुत मुश्किल है समर्स के अंदर, लेकिन विंटर्स के अंदर क्योंकि ज़्यादातर एक्टिविटीज़ बंद हैं और हमें लग रहा है कि हम सिर्फ 3 ही लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो ज़्यादातर कोशिश होगी कि बोद्रम को दिखाया जाए कि इसमें ग्रीस जैसी फील क्यों आती है। एक्टिविटी कोई मिल गई तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश हुई ना तो ये व्लॉग आपको दिखेगा नहीं। देखो भाई, ड्रोन उड़ाने की बहुत कोशिश करी पर नहीं यार, हवा बहुत तेज है, ड्रोन जो है अपने आप उड़ रहा है लहरों में बहता हुआ। तो खैर बहरहाल अभी बड़ी मुश्किल से हमने सेफ लैंडिंग करी है, अब लेट्स सी। हम लोग जो है ना यहाँ पे शूट कर रहे थे स्ट्रीट्स के ऊपर, पहले पुलिस वाले भाई आए, एक दफा इन्होंने रोका, पूछा क्या करते हो, हमने बोला कि हमारा यूट्यूब चैनल है। अब फिर आए और उन्होंने बोला कि आप रिकॉर्ड करो, मैं पाकिस्तानियों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, तो सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं भाई। यस ब्रदर, All Pakistan, we love you very much. You know the story, Turkey and Pakistan. We always say that we are brother countries. Your people welcome to here, and we all love you. Pakistan Zindabad. Pakistan in? Zindabad. Zindabad. Yo. तो भैया इस वक्त हम मौजूद है मैकडोनल्ड में, और इस मैकडोनल्ड की खास बात यह है कि ये भी पूरे शहर की तरह वाइट है। मैंने ऐसा कोई भी और मैकडोनल्ड नहीं देखा जो कि पूरा वाइट हो, तो दाद देनी पड़ेगी यहाँ की गवर्नमेंट की, यहाँ के लोगों की, कि उन्होंने एक थीम को फॉलो किया हुआ है, और क्या खूबसूरती है यार। अच्छा भाई, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं तुर्क सेल के ऑफिस पे, ये क्योंकि इंटरनेट ख़त्म हो गया यहाँ पे, हमें पर्सनली बड़ा अच्छा लगा। 9 GB हम लोगों ने करवाया था और अब ख़त्म हो गया। ये रयान भाई और करा रहे हैं, ऐसी भी करा हूँ, और ऐसी लोड की दुकान देखी है आपने कहीं पे? हाँ, और इतनी प्यारी प्यारी होती है ना, क्या बताऊँ। इस वक्त हम मौजूद हैं बोद्रम मरीना पे, और यहाँ पे ड्रोन सबसे क्लास के आते हैं हमने सुना था, लेकिन बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। अपने होटल से भी उड़ाने की कोशिश की, वहाँ पे भी कामयाब नहीं हुए, यहाँ पे भी बारिश है, तो आई थिंक सो कि बोद्रम को हम पसंद नहीं आए। वेट करेंगे जब तक शायद DP सेशन ही हो जाए, अगर अब्दुल्ला भाई मान जाए तो। भाई ये आप नाम देख रहे हैं यहाँ पे, अभी आपको दिखाते हैं, इतने मुश्किल नाम है कि यहाँ पे खाने से ज़्यादा मुश्किल तो उसके नाम है, डिसाइड करने में इतना टाइम लग जाता है कि खाएं क्या। और देखें ज़रा, चेक करें। तो भाई जब से हम बोद्रम आए हर आधे घंटे में हम कुछ खा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब बोद्रम का जो ब्लॉग आएगा ना वो फूड ब्लॉग होगा,
ट्रैवल व्लॉग तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आप बोधरम का फूड चेक करेंगे सारा। यार तो भाई मेरी तबीयत जो है ना थोड़ी सी नासाज थी, तो यहाँ का खाना मुझे रास नहीं आ रहा हूँ। मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग, KFC खा के मैं थक गया, तो अभी हम लोग बराबर स्टोर से सामान लेके आए, नूडल्स वगैरह, अंडे, चीज़, और इन सबको मिला के कुछ ना कुछ बनाएंगे हमारे अब्दुल्ला भाई, देखें क्या बनाते हैं। शेफ अब्दुल्ला हाजिर हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हर किसी की पहली बाइट को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके एक्सप्रेशन देखे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम असद से। बहुत गर्म है अभी। अंडा और चीज का तो फील ही नहीं आ रहा, चीज किधर डाली है तूने? भाई जो भी था यही था। अरे फीकी जिम वाला खाना होता खाके देखें, खाके देखें, बहुत अच्छा है, इससे अच्छा मैगी तो मैंने खाया ही नहीं है। अम्मी आपको खिलाने का आइडिया कैंसिल अच्छा है, फर्स्ट टाइम के हिसाब से ऐसे ही बनेगा।